हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा अक्षय कुमार की आने वाले फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के बारे में। जी हाँ, आज ट्रेलर रिलीज होने वाला है। कब तक रिलीज होने वाला ट्रेलर वो आपको बता देता हूँ और किस तरह से रिलीज किया जाएगा। पहली बात तो ये ट्रेलर बहुत वक्त से एक्सपेक्टेड था हमें, 4-5 दिन से पोस्टर्स भी आ रहे थे। और अक्षय कुमार के अगर आप ट्विटर हैंडल पर जाके देखो तो आपको एक मैसेज लिखा हुआ नजर आया है कि आपको अगर ट्रेलर देखना है तो आप उन्हें पर्सनली मैसेज करिए, वहाँ पे लिंक दिया है एक। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि इंडिया का जो मैच होगा साउथ अफ्रीका से, उसके बीच में जो मिड इनिंग होती है या जो एक इनिंग खत्म होने के बाद जो ब्रेक होता है, उस वक्त भी ट्रेलर दिखाया जाएगा। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि टाइमिंग क्या होगी। टाइमिंग मेरे हिसाब से मैच इनिंग्स खत्म होगी, 3 बजे मैच चालू होगा, मैच इनिंग खत्म होगी किसी भी टीम की कुछ 7-7:30 बजे या तो 7 बजे। तो ट्रेलर का वक्त भी मुझे लग रहा है कि 7 बजे तक का ही है शाम को, यानी कि अभी सुबह ही है। अब हमें आई थिंक 8-9 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके हमें इस ट्रेलर की झलक मिलेगी, जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 11 जून है और 2 महीने बाद प्रॉपर ये मूवी रिलीज होगी। और फिलहाल एक वक्त ऐसा लगा था एक क्लैश होने वाली है जब हैरी मेट सेजल से, लेकिन अब हैरी मेट सेजल शाहरुख खान अनुष्का की फिल्म, वो 1 हफ्ते प्रीपोन की गई यानी पहले रिलीज होगी, तो क्लैश लगभग बड़ा क्लैश चल गया। तो इससे दोनों फिल्मों को ही फायदा होगा। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस ट्रेलर के हिसाब से? इस ट्रेलर रिलीज होने वाला है भूमि पेटनेकर और अक्षय कुमार की फिल्म का टॉयलेट एक प्रेम कथा। उसका टाइटल है स्वच्छ आजादी, यानी कि साफ सफाई के ऊपर है और साथ ही टॉयलेट के ऊपर जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर है। बहुत सारी चीजें है इस फिल्म में। आई थिंक एक इंडिया के लिए एक एप्ट फिल्म मेरे हिसाब से रहेगी। और अक्षय कुमार हमेशा आप देखते आ रहे हो 4-5 सालों से, कुछ ज्यादा ही सोशली बेस्ड फिल्म कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। आई थिंक ऐसी फिल्में करनी चाहिए क्योंकि अक्षय कुमार एक बड़े स्टार है, लोग उनकी इज्जत करते, बात मानते, समझते उन्हें और सराहते हैं। क्यों अक्षय कुमार उन कुछ ही स्टारों में से है जो आर्मी के लिए डोनेट करते हैं, बहुत सारी सोशल वर्क करते हैं आई थिंक। और जिसलिए मुझे लगता है कि ये फिल्म भी बहुत बढ़िया होगी। और हाल फिलहाल में मेरे किसी दोस्त ने कहा, मतलब जो वीडियोस देखता है, कि ये फिल्म शायद 200 करोड़ कमा ले, पहली फिल्म होगी अक्षय कुमार की। जी हाँ, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि अक्षय कुमार के सितारे बुलंद हैं और वो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो आप कितने एक्साइटेड ट्रेलर्स के लिए, आप जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही मेरी नई वेबसाइट जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है bollywoodcrazies.com, वहां पे विजिट करना ना भूलिए। डेली आपको न्यूज एंड अपडेट्स मिलेगी। मैंने जब से कहना चालू किया 2 दिन से, लोग काफी ज्यादा आ रहे हो, आई थिंक प्रेस भी कर रहे, उन्हें अच्छा भी लग रहा है। तो आप उसका लिंक, मेरी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी जा सकते हैं, वहां पे मैं रख देता हूँ लिंक। तो bollywoodcrazies.com विजिट करना ना भूलिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। और उम्मीद है इसी तरह से मैं आप लोगों से जुड़ा रहूं और डेली बेसिस पे आपको वीडियो हो, आर्टिकल्स हो, हर चीज प्रॉपर प्रोवाइड करता है, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आपको एक ही जगह बॉलीवुड क्रेजेस। जी हाँ, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं इतना 1 साल से ऊपर हो गया वक्त, और ऐसे ही चलता रहेगा मुझे लग रहा है। और थैंक्स सभी को, और चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय।